सोहबतपुर में मोहर्रमुल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और इंतजाम का जायजा लिया गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे सोहबतपुर से हमारे नुमाइंदे। आपको बताएं कि सोहबतपुर में मोहर्रमुल हराम के हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया है, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। हमारे नुमाइंदे सावल जान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। सावल जान अपडेट कीजिएगा, सोहबतपुर में डीपीओ की सरबराही में ये फ्लैग मार्च किया गया है, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। जी नायमा, डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर जैनुल आबदीन अंसारी ने आते हुए डीपीओ जाफराबाद सोहबतपुर मौरान बलोच के साथ फ्लैग मार्च किया और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का भी दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया को बताया कि मुहर्रम को पुलिस की इजाफी नफरी के साथ साथ एफसी की भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी अच्छा सावल, हमें अपडेट भी कीजिएगा इस हवाले से कि मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम तो आपने बता दिए, ये भी बताइएगा कि वहां पर इस वक्त जुलूस के हवाले से क्या सूरत हाल है, जुलूस जो है क्या निकाले जा रहे हैं, उनके रास्तों के हवाले से भी अपडेट करें, साथ ही ये भी बताइएगा कि कहां पर वो इख्तिताम पजीर होंगे। जी, सोहबतपुर में जो मरकजी जुलूस है इमाम बारगाह हुसैनिया से शुरू होकर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से गुजरता हुआ मेहर अली शाह इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से जुलूस के आगे पीछे एससी के साथ साथ पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात होगी और एम्बुलेंस, डॉक्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी होगी। जी बहुत शुक्रिया सावल जान, हमारे नुमाइंदा में अपडेट कर रहे थे सोहबतपुर के हवाले से।